हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 111 AITT अप्रेंटिस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 फरवरी 2022 को अप्रेंटिस का रिजल्ट आ गया है, जिसमें कि 111 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट हुआ था और उसका रिजल्ट और उसकी मार्कशीट आ गई है। इसका जो सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, वो अभी आना बाकी है, तो कुछ ही दिनों में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर्टिफिकेट से पहले फ्रेंड्स, एक यहाँ पर प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर किसी कैंडिडेट के कोई भी मार्कशीट में मिस्टेक आ रही है, कहीं कोई गलती हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए अप्रेंटिस पोर्टल के द्वारा आपको मौका दिया जा रहा है कि आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे सुधार करना है, कब करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT 111 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो 5 नंबर तक के पॉइंट है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं 6 नंबर के पॉइंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर 6 नंबर का पॉइंट देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा गया है ग्रीवियंस रीड्रेसल। तो ग्रीवियंस रीड्रेसल यहां पर लिखा गया है, इसका मतलब है कि अगर आपकी जो अप्रेंटिस की मार्कशीट है, उसमें अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गलती उसमें हो गई है, तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रीवियंस का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये ऑप्शन कब से दिया जा रहा है फ्रेंड्स, 22 फरवरी 2022 से लेकर 21 मार्च 2022, 28 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इस 28 दिन में या तो इस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, या फिर RDSDE कर सकते हैं, या फिर SAA कर सकते हैं, या फिर अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो इन सभी में से किसी के भी द्वारा ये जो प्रोसेस है वो की जा सकती है। अगर आप अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं तो आप भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स, आपको कैसे करना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली कि आपके 22 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक की डेट आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस टाइप का आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इस टाइप का पेज ओपन होगा। तो इसको आपको कैसे ओपन करना है, तो सबसे पहले आप अप्रेंटिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे और उसके बाद आपको होम पेज में कैंडिडेट लॉगिन जो लिखा हुआ रहेगा उस पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने ID और आपका पासवर्ड यहां पर इंटर करना है। उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप का फ्रेंड्स आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और डैशबोर्ड के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है AITT ग्रीवियंस। तो AITT ग्रीवियंस जो आपको दिख रहा है DT सर्टिफिकेशन के नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है राइज ग्रीवियंस रिक्वेस्ट पर। तो यहाँ जो आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं इस टाइप के, अगर आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स राइज ग्रीवियंस रिक्वेस्ट पर। तो राइज ग्रीवियंस रिक्वेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जिनको मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे ही आप राइज ग्रीवियंस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा कैटेगरी, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसके बाद लिखा हुआ रहेगा सेव एज ड्राफ्ट और सबमिट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहां पर कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी में अलग अलग टाइप की आपको यहां पर कैटेगरी दिखाई देगी। इस टाइप की आपको कैटेगरी दिखाई देगी, तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देगा GC1 रिजल्ट नॉट प्रोसेस्ड। तो अगर फ्रेंड्स आपका रिजल्ट प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, आपने एग्ज़ाम दी है, आपने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है और आपका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके 0 नंबर है मार्कशीट में, या फिर आपके मार्कशीट में गलत नंबर है, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर जो पॉइंट लिखा गया है रिजल्ट प्रोसेस्ड विथ 0 और इनकरेक्ट मार्क, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके मार्कशीट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी
गलत जानकारी है तो उसमें आप एडिट एनएससी डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके आईटीआई पास में यस लिखा हुआ नहीं है और नो लिखा हुआ है और आप आईटीआई पास हो तो आपको यहाँ पर चेंज कैंडिडेट टाइप में नॉन आईटीआई टू आईटीआई इस पर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आईटीआई पास है लेकिन उनके नॉन आईटीआई लिखा हुआ आ रहा है तो वो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसे आपको चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके आगे नेक्स्ट पेज अगर ओपन होगा तो उसमें अगर आपका ऑलरेडी कोई ग्रीवियंस होगा तो उसमें आपको एरर दिखाएगा और अगर आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है तो आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस टाइप से अपनी आईडी को लॉगिन करके डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे, उसके बाद AITT ग्रीवियंस पर क्लिक करोगे, उसके बाद ग्रीवियंस लिस्टिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का लिखा हुआ दिखाई देगा कि व्यू ग्रीवियंस डिटेल। तो व्यू ग्रीवियंस डिटेल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका जो आपने जो ग्रीवियंस अपलोड किया है उसका स्टेटस क्या है, तो ये स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ग्रीवियंस को कैंसिल करना चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं और अगर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सही होगी और सारी जानकारी सही होगी तो अप्रेंटिस के जो अधिकारी है उनके द्वारा आपका जो मार्कशीट है उसमें चेंज कर दिया जाएगा और इस तरह से आपकी जो मार्कशीट है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही होकर आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको अपनी मार्कशीट में या फिर मार्कशीट में कोई भी अप्रेंटिस की मार्कशीट में कोई दिक्कत हो तो उसे आपको सही करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।